नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑल इन वन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और सजना संवरना किसको नहीं पसंद है। आज मैं आपको एक ऐसी ब्यूटी टिप बताऊंगी जिसको आप कहीं भी जाने से पहले, मेकअप के पहले अगर आप कर लेंगी तो आपके चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाएगी। और वो बहुत ज़्यादा कठिन टिप नहीं है, घर की ही चीज़ों से आप इसको बना सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए खीरा, आलू और गुलाब जल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खीरे को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, खीरे को मैंने कद्दूकस कर लिया और इसका रस निकालना है। ये देखिए, इसका रस निकल गया। ये देखिए, इतना रस निकल गया। अब हम आलू पहले से धो लिए हैं। अब जो है आलू को छील कर कद्दूकस करेंगे। ये देखिए आलू, बस इतनी बड़ी आलू ठीक है। एक बार और धो लेते हैं, गंदी लग रही। अभी साफ हो गई। ये देखिए, अब इसको भी कद्दूकस कर लेते हैं। पूरी आलू कद्दूकस करेंगे हम इसमें। दोस्तों, आलू, खीरा, ये सब घरेलू चीज़ें हैं जो अगर हम इसको अपनी त्वचा पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारी त्वचा को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती हैं। आलू में ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जिसकी सहायता से हमारा चेहरा को ये आलू नेचुरल ब्लीच कर देता है। और इसमें पौष्टिक तत्व भी होते हैं जिसकी सहायता से हमारे त्वचा को एक पोषण मिलता है और उसमें एक अलग सा निखार आ जाता है। ये देखिए, पूरा आलू कद्दूकस कर लिया हमने। ये लगभग फोर टी स्पून, चार चम्मच खीरे का रस है। और इसमें हमने एक छोटा आलू, बहुत ज़्यादा बड़ा आलू नहीं लिया, छोटा आलू लिया है, उसका रस निचोड़ दिया। बाकी जितना खीरा था उसका आधा आलू का रस है। अब हम इसमें चार चम्मच गुलाब जल मिलाएंगे। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आइस ट्रे में जमा देंगे। ये देखिए, ये लगभग
नौ क्यूब बन जाएगी मेरी। देखिए ये देखिए, अब मैं इसको जमने के लिए रख देती हूँ। जमने के बाद फिर आपको कैसे इस्तेमाल करना वो मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे क्यूब्स जम गए हैं। ये देखिए, अब इसमें से मैं एक क्यूब निकालूँगी। ये देखिए, एक क्यूब निकालूँगी और इसको कपड़े के अंदर रख के और अपने चेहरे पे इसको ऐसे इतनी रिफ्रेशिंग खुशबू आ रही है इसमें से। खीरा आपकी स्किन को टाइट करता है और पोटैटो आलू जो है आपकी स्किन को ब्राइट करता है और वो आलू जो है आपके स्किन में एक अलग तरह से चमक लाता है। ये आपके जो छोटे छोटे फाइन लाइन्स हैं इसको भी दूर करता है। कहीं जाने के पहले आप इसको एक बार अपने चेहरे पे लगा लीजिए। साथ ही साथ आपके आंखों के काले घेरे भी दूर करता है ये। आप डेली भी ऐसे भी लगा सकती है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकती है, कपड़े के अंदर रख के लगाने से ज्यादा अच्छा रहता है। साफ कपड़ा यूज करिएगा। जब भी आपको कहीं बाहर जाना हो आप एक क्यूब निकालिए, लगाइए और उसको ऐसे 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 थपथपा लीजिए चेहरे पे। ये देखिए सूख गया है। अब मैं इसे पानी से थोड़ा सा साफ कर लूंगी। साफ करके आपको मेकअप, जो भी मेकअप करना हो आप अपना मेकअप कर सकती हैं। इससे आपके चेहरे पे एक अलग सी शाइन आएगी, स्किन अलग से ग्लो करेगी और जो आपके ओपन पोर्स हैं, स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं सब आपकी दूर हो जाएंगी। और आलू जो है नेचुरल ब्लीच का भी काम करता है, तो इससे आपके चेहरे की रंगत भी थोड़ी सी साफ हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये होम रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।